नमस्कार, जय हिंद। मैं अचल आप सभी का अपने खास बुलेटिन सुसमाचार में स्वागत करती हूं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर भारत की प्रसिद्ध यात्रा मणिमहेश में पवित्र ज्योति के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जीरो प्वाइंट पर हुई भारत पाक के बीच बैठक। जयपुर के विद्याधर नगर में संत श्री हरिचरण जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज की वाणी में श्रीमद् भागवत कथा। अब खबरें विस्तार से। अभी तक आपने गूगल बॉय कौटिल्य का ज्ञान देखा था, लेकिन हम एक नहीं बल्कि नन्नी मुन्नी तीन छात्राओं के गूगल ज्ञान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, यूपी के गोंडा के प्राथमिक विद्यालय भीकमपुरवा में पढ़ने वाली पहली छात्रा, कक्षा पांच की छात्रा सुप्रिया वर्मा, बिना किसी बाधा के 100 तक का पहाड़ा सुना देती है। 64 का इसी विद्यालय की कक्षा चार की दूसरी छात्रा अंशिका मिश्रा भारत के सभी जिलों का नाम 6 मिनट 26 सेकंड में सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में अब तक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण दिवस तथा एशिया महाद्वीप के सभी देशों के नाम और राजधानी, मुद्रा व क्षेत्रफल के साथ ही विश्व में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे धारा प्रवाह की जानकारी देती है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा में कितने जिले हैं? 30। बताइए। अंगुल, डलगिरी, बलासोर, बंडन, बौद, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेमनाथ, गढ़ता, सिंजर, नगर सिंह, जातपुर, जसोड़ा, कालानी, कनवा, केंद्रापाड़ा, गिंदी, कोटा, करमपुर, मलकानी, मैलपुर, नगर, नवापाड़ा, रायगढ़, संबलपुर, सुरनगर, सुनगर, पूरी, नयागढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। कितने जिले हैं? 12। बताइए। बिलासपुर, चंबा, नीरपुर, कानपुर, खिन्ना, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। पंजाब में कितने जिले? 22। बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवें कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। ग्यारहवें कौन थे? श्री के आर नारायण। और इस समय मौजूदा कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांचवें कौन थे? श्री चौधरी चरण सिंह। ग्यारहवें कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इस समय मौजूदा कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर लाल मोदी। भारत की राजधानी? नई दिल्ली। मुद्रा? भारतीय रुपया। क्षेत्रफल? 87,263 वर्ग किलोमीटर। नेपाल की राजधानी? काठमांडू। मुद्रा? नेपाली रुपया। क्षेत्रफल? 147,181 वर्ग किलोमीटर। तीसरी छात्रा बबली भी कक्षा एक में पढ़ती हैं और एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी तथा उत्तर प्रदेश के मंडल व जिलों के नाम की धारा प्रवाह की सारी जानकारी है। अब बात करते हैं चौथी छात्रा की। चौथी छात्रा अंजलि महज 3 वर्ष की है, जो अभी विद्यालय में नामांकित भी नहीं है। प्रायः MGM हेतु अपने बहन के साथ विद्यालय आया जाया करती है। उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम व भारत के राज्य व उनकी राजधानियों के नाम आसानी से बता देती हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। कहते हैं पूजा करते वक्त घंटी जरूर बजानी चाहिए। ऐसा मानना है कि इससे ईश्वर जागते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं कि घंटी बजाने का सिर्फ भगवान से ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसका साइंटिफिक असर भी होता है। यही वजह है कि घंटी हमेशा मंदिर के प्रवेश स्थान पर लगाई जाती है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में पूजा सही विधि एवं सामग्री से की जाए, इसका बड़ा ही ख्याल रखा जाता है, जिसकी शुरुआत होती है मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने से। मंदिर घर का हो
या किसी धार्मिक स्थल का, वहाँ घंटी तो होती ही है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, साथ में इसका हमारे जीवन पर साइंटिफिक असर भी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि जिन जगहों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती रहती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इसी वजह से लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों पर भी विंड चाइम्स लगवाते हैं, ताकि उसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां हटती रहें। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घंटी की मनमोहक व कर्णप्रिय ध्वनि मन मस्तिष्क को आध्यात्म भाव की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है। ये ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की वेग से अपने उद्गम स्थान से दूर जाती है और ध्वनि की यही शक्ति कंपन के माध्यम से प्रवास करती है। आप उस वक्त घंटी के नीचे खड़े होते हैं और घंटी को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसकी आवाज दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को मिलाने का काम करे। उसकी आवाज वातावरण में कम से कम 7 सेकंड तक गूंजती है, जिससे वहां मौजूदा लोगों को शांति और दैवीय उपस्थिति की अनुभूति होती है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय घंटनाद अवश्य करें। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, तब तक बने रहिए हमारे साथ।